हम सब ये जगह छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। ये सिर्फ जंगल है, हम सबका घर है। अपने पापा को तो मैं खो चुका हूँ, अब अपना घर नहीं खोना चाहता। बस गिव अप, नो चांस। एग्जैक्टली, यू स्टैंड नो चांस। एक मारूंगा लेकिन सॉलिड मारूंगा। अरे बाप रे, लेकिन बेटा मारना तो तुझे सिर्फ डायलॉग आता है ना। आखिर बाप पे जो गया है। इन्हीं अदाओं पे तो मर मिटे थे हम जब 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 फैसला किया था बनाएंगे आपको अपनी बेगम। ओह वाओ, वेल सेड सन। एक और डायलॉग, and I'll smack you both on your bum. Wow, you are a poet, mom. Very funny. You, be quiet. And you, stop fighting. मेरी यूवी को एक दिन में रैम्बो बनाने का इरादा है क्या? अरे, इसे सेल्फ डिफेंस सिखा रहा था। I'm making him a man. Exactly. He's not a man. He's a cub. Mom, please chill. No, I'm not going to. तुम्हें लग गई तो? और तुम क्या जानो एक माँ के गले की क्या गुजरती है? फाइन, जो करना है करो, मेरे पास मत आना रोते हुए। लगता है आज की रात आपको केव के बाहर ही सोना पड़ेगा। अरे डोंट वरी बेटा, मुझे अच्छी तरह आता है तेरी माँ को कैसे पटाना। कैसे? तो गाना।
अगर पापा होते और गोली हम में से किसी को लगती तो क्या वो इस जगह छोड़ के चले जाते? पापा और हम में बहुत फर्क है यूवी, हम उनकी तरह ताकतवर नहीं है बेटा। पर उन्होंने हमेशा आप लोगों को ही अपनी ताकत समझा था, वो नहीं है, वो तो, नहीं हम है वो... तो हम कुछ नहीं कर सकते। आज उन्हें गोली लगी है, कल हमें लग सकती है। और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है हम अगर यहाँ रहे या कहीं और? कहीं और जाएंगे तो कम से कम जिंदा तो रहेंगे ना। बुजदिल हो तुम सब के सब, महा बुजदिल। अरे राजा नहीं है तो क्या हुआ? उसका सेनापति तो है ना तुम लोग उनके साथ? जो लोग हम लोग के घर में घुसाए उनका ईंट से ईंट बजाई देंगे हम, मार मार के उन सालन की दुर्गति कर देंगे। ऐसे पूरे 2 सैनिक है हमरे वानर सेना में, जो हमरे एक इशारे पे हल्ला हल्ला हल्ला। ओह शट अप, व्हाट्स योर प्रॉब्लम चिंपो? हर बात पे टॉई टॉई टॉई, बातचीत बातचीत से हर प्रॉब्लम हल हो सकता है, यू नो ना डियर? तो तेरा मतलब है कि तुम आदमी इनके पास जाओगे, गुड मॉर्निंग बोल के तौका कुर्सी पे बैठाएंगे, तुम उनका बोलोगे वो बुलडोजर वाले काका, वो बुलडोजर वाले काका हमारा घर मत छीनो ना, वो तौका सॉरी बोल के काफी पिलाएंगे और अपने बुलडोजर का यू टर्न लेकर जंगल से बाहर चले जाएंगे। अरे नादान, वो आदमी है आदमी, आदमी पे भी रहम नहीं करते, गोली मारकर भेजा निकाल लेंगे तोरा, वो भी पूरा का पूरा। Hey, listen, chimpo, हर आदमी सब तेरे जैसे थोड़ी होंगे, एक आदमी मेरे जैसे भी होगा, जो चिट-चैट, वार्तालाप। चलो माना, माना कि वो सज्जन लोग तोहरी बात मान लेंगे, लेकिन हम ऐसे बात करेगा कौन? है हम लोगों के बीच कोई इंसानों की भाषा जानने वाला है कोई? हाँ है। कौन है? कौन है? कौन है वो? कौन है? दूसरी बात तुझे। अरे मूर्ख, पहले पहली बात बताना। पहली? हाँ वही तो मैं कह रहा था, मैं किसी को जानता हूँ जो हमारी मदद कर सकता है, क्योंकि वो सिर्फ हमारी नहीं बल्कि इंसानों की भाषा भी जानता है। और उसका नाम, उसका नाम, उसका नाम है, उसका नाम है, उसका नाम, अरे कहा गया अभी तो था, नम 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 नम, रजनी, कजनी, कल्पना, नहीं, और विजय तेनाना चौहान। खामोश, इतोरी फिल्म की शूटिंग नहीं है, जिंदगी है जिंदगी, इलातन के भूत है, बातन से नहीं मानेंगे ना। बस बहुत हो गया बजरंगी, अब ना बात की जरूरत है ना लात की, फैसला हो चुका है, हम 2 दिन में ये जंगल छोड़कर चले जाएंगे। की भाषा जानता है? तुम कौन? मैं यूवी हूँ काका। यूवी? आपका फ्रेंड। फ्रेंड? डिटो, सेम टू सेम। दूसरी बात ये कि तुम भी अपना सामान बांधो और निकल लो यहाँ से। लेकिन आप जाओगे कहाँ? मैं जाऊंगा। मैं कहाँ जाऊंगा? मेरे घर तो यहाँ है ना। उसका नाम एलेक्स है, वो फिल्म डायरेक्टर विक्रम खोसला का तोता है, उसके पंख कमजोर है, वो उड़ नहीं सकता, पर क्या तोता है साहब, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, गुजराती, मारवाड़ी, कौन सी भाषा है जो वो नहीं जानता। लेकिन तुम उससे ये सब क्यों पूछ रहे हो? मेरे पास एक प्लान है। गुस्सा में पाप है, अकड़ है, और यही तेरा एंड हो जाएगा। आई एम टेलिंग यू, बड़ा लीडर बनना है तो ये छोटे मोटे गुस्से को पी जाना पड़ता है लाइक अ मिल्क शेक। इसलिए माय डार्लिंग वानरा, जब भी तेरे ब्रेन का फ्यूज उड़ जाता है ना, स्टॉप राइट देयर, लंबी सांस खींच, अब नीचे आ जाओ, नहीं लंबी नहीं, और मेरा मंत्र का ध्यान रखना। A one, two, three, stick out your right paw first and then your left paw next. Twirl around, come in, reel your butt like this. We do the bugger huggy and hug the little monkey and start from the top again. चाटू की जप्पी। अरे ये सीन तो मेरा देखा हुआ है। और दूसरी बात तो ये। अरे पहले वाली बात करें काका। हाँ, वही तो मैं कह रहा था। फिल्म का तो मुझे कुछ नहीं पता, पर यहाँ सब कुछ आपकी एक्टिंग पे डिपेंड करता है। अच्छा? हाँ।
ओके काका रेडी? तो एक्शन। अरे हो ही नहीं सकता। हो सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। पैदा होता है। अरे बातें हैं, सिर्फ बातें। तुम अभी मेरे बजरंगी अंकल को जानते नहीं हो। बजरंगी अंकल कब आता है ललुआ? कौन बात है? अरे देखिए ना बजरंगी अंकल, मैं इनसे कह रहा हूँ कि पूरे जंगल में आप जैसा स्ट्रॉन्ग कोई नहीं है। बजा फरमाया। पर इन्हें यकीन ही नहीं है। नहीं करते तो अभी करवा देते हैं। चुप है। नहीं 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 नहीं, मेरी इनसे शर्त लगी है कि बजरंगी अंकल दो दो लोगों को पंजे में एक साथ हरा सकते हैं। पर ये कहते हैं, पर ये कहते हैं कोई नहीं सकता। अच्छा ये बात है तो है कोई जंगल में जो सामने आए? आपसे नहीं कह रहे। भरेला मरेला सामने आओ। तेरी मैया का संयम तो गड़बड़ है गुरु। छोटू के इरादे ठीक नहीं लगते गुरु। मैंने इनसे ये भी कहा था कि बजरंगी अंकल किसी भी पेट
मम्मा प्लीज अब मेरी बात तो। बग्गा जी ये तो बच्चा है पर आप बच्चा है इसके लिए मैं साथ गया था ना आंटी जी कम ऑन ही नीडेड समवन जिम्मेदार। आपके लिए इंसानों के घर में जाकर सबकी जान खतरे में डालना जिम्मेदारी है? और तुम बजरंगी तुम तो इंसानों से बातचीत करने के भी खिलाफ थे फिर तुमने ये सब क्यों किया? उका हुआ ना कि ये युवराज ने चढ़ा दिया ना चढ़ गए ना और गिर गए ना मुंह के बल छी 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 थू थू थू। मैडम आप कुछ कह रही थी ना? मैडम बोलिए। अल्टीमेटली आपने एक बार भी नहीं सोचा कि वो जगह कितनी खतरनाक है? अगर मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो कैसन हो जा कसम बजरंग बली की हमरे रहते हुए तुमरे युवराज का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। सुल्तान भी यही सोचता था पर क्या हुआ मेरे देखते देखते इंसानों ने उसे मुझसे छीन लिया ना वो कुछ कर सका ना मैं। I'm sorry मम्मा मुझे आपसे पूछे बिना वहाँ नहीं जाना चाहिए था पर मैं नहीं चाहता था जो पापा के साथ हुआ किसी और के साथ भी हो। इनफैक्ट मीटिंग के बाद पापा खुद मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझसे कहा पापा मर चुके हैं यूई और मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते बेटा। कहानी हर घर की कहानी घर घर की बागवान नॉनसेंस कट दिस फैमिली ड्रामा ड्रॉपिंग बैक होम फॉर गॉड्स सेक। मुझे अभी के अभी वापस छोड़ के आओ। ये देखो तुतला के वही चीज फिर न कहे तो इसको तोता कौन कहे? शट अप यू एप मैं तुम जैसे एलिस लोगों से बात नहीं करता। वे तेरी तो चिंपाओ। और दूसरी बात तो ये कि तुम जंगल जैसी खुली हवा और आजादी छोड़कर वापस उस जेल में क्यों जाना चाहते हो? आजादी माय फुट यू कॉल दिस थिंग आजादी? थिंक अगेन डूड कितनी गर्मी है यहाँ। खोसला के यहाँ एसी है टीवी है डीवीडी है इंटरनेट है विस्की है काजू है और सबसे बड़ी बात वहाँ पे इरिटेटिंग नट नहीं है। अबे क्या बोला मैं तो? चिंपाओ। ए लिसन टोटो तू भी तो हम लोग में से एक है तू भी तो जंगली है क्या तू इस लड़ाई में हमारा साथ नहीं देगा डार्लिंग? टेक अ चिल पिल डूड ये जंगल तुम्हारा घर है मेरा नहीं। आई चेक्ड आउट दिस प्लेस अ लॉन्ग टाइम अगो। अरे काहे इतनी फुटेज दे रहे हो तो तुम्हारा को हम तो कहते हैं कि हमारा रास्ता अभी भी खुला है हमारी वानर सेना एकदम तैयार है हम तो कहते हैं कि हल्ला। तू बोल ना मोटा कौन? मैं ठीक है तो मैं बोल लेता हूँ हल्ला बोल। ओह बजरंगी दैट्स इंप्रेसिव मैन व्हाट एन आर्मी। ये लड़ेंगे इंसानों से You lost your mind. Oh, yo. Hey. Don't you dare, you fatty chad, you backward bandar. Abhe samne to. Did you know kidnapping is a crime under section 364A? Hey, kya bakwas kar raha? We are very, very sorry, Alex. But you are our only hope. Tumhe hamari madad karni hogi. Hamari awaz insano tak pahunchani hogi. Have you lost your mind? इंसानों तक पहुंचानी होगी। आज तुम बोलेंगे बिल्डर से बात करो कल मिनिस्टर फिर चीफ मिनिस्टर वहाँ भी बात नहीं बनी तो कहोगे एलेक्स हमारे साथ दिल्ली चलो। दिल्ली ये दिल्ली क्या है? अनबिलीवेबल यू डोंट नो दिल्ली इट्स अ कैपिटल ऑफ आवर कंट्री बोनहेड। एनडीटीवी सीएनएन आईबीएन बीबीसी झगड़े जूते माइक ट्रस्ट वोट बंडल्स ऑफ नोट्स पार्लियामेंट ओह नो इट्स पार्लियामेंट वहाँ जो लोग बैठते हैं देश चलाने का काम उन्हीं का है यू नो मिनिस्टर्स एंड ऑल। मिनिस्टर्स? उफ़ मिनिस्टर लोग पूरी गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं लोगों की शिकायतें सुनते हैं। यू मीन वो हमारी शिकायत सुनेंगे? जरूर सुनेंगे। नो डोंट से कि मैं तुम्हारे साथ दिल्ली चलूं। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर गॉट इट आई मीन चाहे धरती फट जाए या आसमान गिर जाए। चले जाते।
यहीं पे पापा ने हमें एक साथ रहना सिखाया था ना। इस जंगल में उनकी यादें हैं मम्मा। हमें एलेक्स को मनाना ही होगा। हम दिल्ली जाएंगे। दिल्ली? दस से दिल्ली? दस से दिल्ली जाएंगे, ल से लोगों से मिलेंगे और भ से भीख मांगेंगे। छ से छी छी छी। थ से थू थू थू। ई का वास्ते, ई का वास्ते हम गुरु हैं, आप दोनों चेला। अरे हम दिल्ली जाएंगे जरूर, लेकिन पहुंचेंगे नहीं। रास्ते में मौका मिलते ही हम अलगसवा का काम तमाम कर दूंगा। ना रहेगा उनका तोता और ना ही होगा इंसानों के साथ कोई डिस्कशन। फिर होगा केवल एक्शन ही एक्शन, क्योंकि ये धरती हमेशा वानरों की रही है और हम वानरों की ही रहेगी और हम करेंगे इस पे।
What's the problem, Alexander? अरे उनको पता चला कि ट्रेन में जानवर है. लेकिन उन्हें कैसे पता चला कि हम लोग अंदर छुपे हुए हैं? सब इस बंदर की वजह से हुआ है. बजरंगी, क्या तू बाहर तो नहीं गया था? बिग जॉब, स्मॉल जॉब, वड़ा पाव, केला पाव. तो हार खोपड़िया में, तो हार खोपड़िया में भूसा भरा है का? ये अलग स्वाद की चीजें मत सुनो. अरे हम तो यहाँ पर फेरा दे रहे थे. वो लोग किधर आ रहे? Somebody shut the door. मामा, यूवी, मामा, देख 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 ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है. तुम यहाँ तक कैसे पहुँच गए? मैं तो नहीं आ रहा था मामा, पर जैसे ही मैंने आँख बंद की ना, पापा मेरे सामने आ गए. यूवी, फिर डैडी के सपने? मैं सच कह रहा हूँ बगा अंकल, पापा खुद मेरे पास आए थे और मामा, नॉट लाइंग, वो खुद मेरे पास आए थे. कसौटी जिंदगी की, हम साथ साथ हैं. सब लोग गले मिलो, एक दूसरे को सॉरी बोलो, एंड क्रेडिट्स रोल. बट आई ऑब्जेक्ट, मिलॉर्ड. मिलॉर्ड, मैं आपको ले जाना चाहता हूँ एक छोटे से फ्लैशबैक में, जहाँ इस मासूम और प्यारे तोते पर टॉर्चर हो रहा था. मिलॉर्ड, ठीक 3:37 पर, ट्रेन रुकने से पहले और ब्रेक लगने के बाद, ये बंदर इतना बड़ा चाकू लेकर मेरे सामने खड़ा था. क्या ये बता सकता है ये क्या कर रहा था? आई नीड एन एक्सप्लेनेशन. बट क्या ये सच है? तो यहाँ पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहा है. इका रात दिन सोते जागते हमारी नजर आते हैं का? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ये बंदर झूठ बोल रहा है. अब एक किंग कॉन्ग करते हो तो फिर डरते क्यों हो? साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तू मुझे मारने की कोशिश कर रहा था? तो कम मारने के लिए हमको कोनो कोशिश करने की जरूरत है क्या? हम चाहे तो अभी कभी धाई धाई करके तोहार खोपड़िया उड़ा दे. बस करो, आप लोग इसी तरह लड़ते रहे तो ये मिशन कभी पूरा नहीं होगा. बजरंगी, अब तुम कुछ नहीं बोलोगे. एंड यू ऑल्सो लिसन टू मी केयरफुली एलेक्स, हम तुम्हारे बगैर दिल्ली नहीं जा सकते और तुम हमारे बिना मुंबई नहीं पहुँच सकते. हम सब की भलाई इसी में है कि हम एक दूसरे का साथ दें. फाइन फाइन, मैं तुम लोगों के साथ जाऊंगा, पर इस बंदर से कहो अपने हथियार यहीं छोड़ दे. जब तक ये ऐसा नहीं करेगा मैं आगे नहीं जाऊंगा. नहीं, ये हथियार हमारा आन बान शान है. ओह यस, बट यू आर पहलवान, यू आर बलवान, यू डोंट नीड दिस डैम सामान. कम ऑन, थ्रो इट अवे. कम ऑन. नहीं, हम थोड़ा हल्का हो गया था. हल्का तो हो गया बजरंगी, तनिक देखो तो ऐसे कमजोर हो गया बबुआ. जाए तो जाए तो जाए. अबे चुप, मुंह से बात करा. ये तो अच्छा हुआ हम खुद का दो हथियार संभाल के रख लिए. अच्छा सुन गुरु गुरु, अरे तुम्हारा प्लान नंबर 2 तो टोटली चौपट निकला यार. पीछा करने की बात कर रहे थे. अरे ट्रेन से उतरते बगैर सिग्नल तो देना चाहिए था ना पागल. पागल नहीं, हम पागल ठीक. गुरु ये भी सुना तुमको उल्टा करके सारे हथियार झाड़ दिए तुम्हारे. बड़ी तकलीफ हुई होगी ना. एका वास्ते हम तो हार गुरु हैं और तू हमार चेला. अरे वो लोग हमारा हथियार कैद कर ले तो क्या हुआ? तुम लोग के पास तुम्हारा हथियार तो है ना. अरे हम तो अपना घर भूल आए यार. नहीं नहीं, लेके आया हूँ मैं, लेके आया हूँ. तो हमारे इशारे का इंतजार करते रहना और जैसे हम इशारा कर रहे हैं. अब हम दिल्ली कैसे जाएंगे बगा अंकल? रास्ता तो सिर्फ ट्रेन को पता था. इका वास्ते तुम लोग ही आओ और हम ही आ. ये ट्रेन कहाँ जा रही थी? दिल्ली. ये पटरी कहाँ जाएगी? दिल्ली. हम लोगों को कहाँ जाना है? दिल्ली. कॉमन सेंस, फॉलो मी.
है क्या? Common sense, nonsense. बंदर ब्रेन वांटेड टू फॉलो द ट्रेन. मेरी मानो तो ये यू टर्न ले लो. कम से कम जहाँ से आए थे वापस वहाँ तो पहुँच जाएंगे. अब क्या करें मामा? जब नीचे के रास्ते बंद हो जाते हैं तो ऊपर वाला ही रास्ता दिखा सकता है. बैटमैन अंकल? बैटमैन नहीं, पर बात मान मेरी. राजू मेरा नाम, रास्ता दिखाना मेरा काम. दिल्ली का रास्ता जानना है ना? आपको कैसे पता? अरे राजू गाइड क्या, इस देश का हर जानवर तुम्हारे मिशन के बारे में जानता है. आखिर इंटरनेट का जमाना है. ये रही तुम्हारी दिल्ली. इडली. इस मैप को समझने के लिए आपके पास कोई दूसरा मैप है? नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं, लो गाऊं ऐसा गाना, दिल्ली को पार कर दूं. Guys, please, I can't. मैं और ट्रैवल नहीं कर सकता. अबे, तोरे वास्ते का एरोप्लेन मंगा है? चुपचाप चल. नहीं तो क्या? मारोगे ना? प्लीज kill me, मारो मुझे. अरे तोता का धूप में पागल हो ही गवा है का? Yes, I've gone mad, मैं पागल हो गया हूँ. देखो, हम इसका गला दबा नहीं रहे हैं. ये हमारे हाथ से खुद का गला दबवा रहा है. बजरंगी, एलेक्स, दोनों शांत हो जाओ. कछब ज्यादा दूर.
आ दोनों तो पति गयो। हाँ पन कोई नती, डांडी अभी तो पति गया ने। यस यस, पर हमारा दिल्ली का सफर तो नहीं पति गयो, और इन दोनों का क्या करें? अरे मोटा भाई कोई चिंता न थी, अभी दो कंधा सुंघावी दो ने तरह ठीक हो जाएंगे। तमे पर निकल पे, आ गई सीरियस प्रॉब्लम छे। इमने तो छे न थोड़ा गरबा में गोल गोल घूम के न चक्कर आवी गयो छे। हाँ घरवाली, पर मने ना लागे मने लागे कि दोनों को बस आराम की जरूरत है, वो ठीक हो जाएंगे। आप बस हमें आगे का रास्ता बताइए। अभी तो बहुत रात हो गई है बेगम बेन, आज रात इधर ही आराम करो, सुबह हम आपको रास्ता भी बता देंगे और बाकी जानवरों और पक्षियों में ये बात भी फैला देंगे। पण ग्रुप के अंदर एक बात का ख्याल रखना, वो काले बरगद के पेड़ के उस तरफ का एरिया है ने, कालिया उस्ताद का है, उस तरफ कभी भूल से भी मत जाना। वो काले बरगद के पेड़ के उस तरफ का एरिया है ने, कालिया उस्ताद का है। थैंक गॉड पापा आप आ गए। धीरे बोलो बेटा, सब लोग थके हुए हैं ना। पर मैं उन्हें जगाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आप है। Nobody believes me, पापा। मैं अभी उन्हें बुला के लाता हूँ। ये भी बेटा कोई फायदा नहीं, वो जाग के भी मुझे नहीं देख पाएंगे। पर पापा, पर ऐसा क्यों पापा, वो जाग के भी आपको क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि वो समझते हैं कि मैं उनसे बहुत दूर हूँ, सिर्फ आप जानते हो कि मैं दूर नहीं पास हूँ। पर आप मम्मा को क्यों नहीं दिखाई देते? जरूर दिखाई दूंगा बेटा, पर वक्त आने पे। ओके बेटा, मैं तुमसे सिर्फ ये कहने आया हूँ कि जिस काम के लिए तुम जा रहे हो उसमें तुम्हें नींद में भी चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि मुसीबत हमेशा बाहर से नहीं आती, कभी कभी अपने भी मुसीबत बन जाते हैं। अब कारिया उस्ताद तो का मौत का घाट उतार गई और किसी को हम पर शक ना हुई। अरे पापा, बजरंग के अंकल अब यहाँ क्या कर रहे हैं? हाय हाय, तू यहाँ क्या कर रहा राजा? तू निकल यहाँ से, चल। Where am I? बजरंग के अंकल, ये सब हो क्या रहा है? लेकिन एलेक्स को क्यों? ये तो कारिया का इलाका है। Oh my God, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना ही होगा। चलिए बजरंग के अंकल, जल्दी। ओहो, थोड़ा लेट हो गए, अब कोई फायदा नहीं। मैं इस इलाके का बेताज बादशाह हूँ। कालिया 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 अरे ओ फिर जी उस्ताद, आज मेनू में क्या है रे? उस्ताद एक प्लेट तोता कबाब, एक प्लेट शेरे कुर्मा और एक प्लेट बंदर तंदूरी। मुंह में पानी आ गया यार, मुंह में पानी आ गया। ये देखो कालिया, तुम हमको अकेला मत समझो, हमरे एक ऑर्डर पे हमरे एक ऑर्डर पे मत बोल, कोई नजर नहीं आ रहा आराम खो। तंदूरी लाइट, तंदूरी लाइट, तंदूरी लाइट, तंदूरी लाइट। काली अंकल, हम गलती से यहाँ आ गए, हमें प्लीज जाने दीजिए। ठीक है ठीक है, हाँ अगर जाना है तो जाओ, लेकिन पहले हमसे लड़ो, हमें हराओ, फिर जाओ। वेरी सिंपल। लेकिन तुम हमसे लड़ोगे कैसे है? हमारे पास दांत है, हमारे पास नाखून है, हिम्मत है, लोग है। तुम्हारे पास क्या है? क्या है तुम्हारे पास? क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। माँ मां
कुछ नहीं हुआ। अगर तोहका कुछ हो जाता ना तो हम सुल्तान के बहुत बड़े गुनेगार हो जाते। हमको माफी कर दो। और बेगम जी, बग्गा जी, इससे कहो कि अभी के अभी यहाँ से चला जाए। हमें ना इसकी माफी की जरूरत है ना इसकी। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, पर तुम ये नहीं समझोगे। तुमसे अच्छा तो ये एलेक्स है जो हमारी आवाज बन के हमारे साथ दिल्ली जा रहा है। जब तक ये हमारे साथ है, हमारी आवाज दिल्ली तक जरूर पहुंचेगी। हमारी आवाज दिल्ली तक कभी नहीं पहुंचेगी मम्मा। एलेक्स की आवाज ही चली गई है और मुझे लगता है कि वो कभी नहीं बोल पाएगा। ये आपने क्या किया बजरंगी अंकल? ये आपने क्या किया? तो बहु सीरियस छे। सीरियस तो छे। एलेक्स भाई नी तो पूरी बोलती बंद थई गई। बोलती बंद नथी थई, एमनी तो खाली आवाज गई छे। एक बात छे कल्पेश, वैसे हमारे स्टेज शो होते हैं ना, उसमें तो बहुत बार ऐसा होता है, याद छे कल्पेश? अरे वो अपने शिकागो वाले शो में रसिक भाई नहीं? घरवाली तुम्हे पर ना, वो शिकागो का नहीं ग्लासगो का शो था। कौन सा भी शो हो लेकिन आवाज तो गोडे हाड़ो फ्लेमिंगो। गो गो पण पछी वापस तो आवी गयो ने। तो मेरे को झगड़ो चाहिए कि फिर सोल्यूशन? सोल्यूशन एम ने चाहिए। आपके पास इसका कोई इलाज है? बतावी दो, आपने इलाज बतावी दो बापा। हाँ, तमें काम करो, एलेक्स भाई ने अमरूद अदरक अने तुलसी। ओ महाराज, तमें पोताना सोल्यूशन नहीं बताओ, हमने सीधे सीधे जड़ी बूटी वाले बाबा का पत्ता बता भी दो। जड़ी बूटी बाबा? यहाँ से मारवाड़ के रास्ते पे एक बहु मोटी नदी छे, बाबा नी गुफा इज नदी ना किनारे छे।
कितनी शांति है ही। लगत है कि शांति हमारे प्यारे अलक्सवा के आवाज से ही टूटेगी। देखना देखना गुरुजी के दर्शन करते ही कैसन चटर पटर बोलने लगेगा अपना इलू। गुरुजी। महाराज। बाबा डार्लिंग। बाबा। अरे यही तो बाबा नहीं है। नो पार्किंग, मैं देखता। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे दो चार सांस बाकी है, वो भी तो छू से निकल जाए। हम देखा था गुरुजी, गुरुजी यही अनाथ घंटा है, घंटी लगा था कि डायरेक्ट एंट्री करे के पड़ी। जय बजरंग बली। कौन है तो कौन है जो हमें अपने अंतर्मन से पुकार रहा है? बाबा डार्लिंग यहाँ है, मतलब पीछे से। बाज टॉर्च दो। कसम बजरंग बली की, इतना पॉल्यूटेड तो हमार मुंबई भी नहीं है। बाबा ये एलेक्स है, कल रात से इसकी आवाज चली गई है। एलेक्स अपना मुंह खोलो। ये मर जाएगा का? मलाई कुल्फी मामूली बीमारी नहीं है, राजा महाराजाओं की बीमारी है। पर बीमारी क्या है? ट्यूमर, टीबी, टेंशन, हाइपर टेंशन, तनाव, स्ट्रेस, दबाव, हाई बीपी। इसे ठीक करने के लिए मशीन गन मलाई कुल्फी मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले इसके गले पे चाकू 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 चाटा चंदन और चमेली का लेप लगाना होगा। पीले गुलाबों से ताजा गुलकंद निकाल के पिट्टी में मिलाना होगा। फिर उस गुलकंद को लाल मीठे और ताजा अमरूदों के साथ हर रोज खिलाना होगा। पर ये काम करेगा कौन? ये काम हम पे छोड़ दो, हम पे। दवा कहाँ है? दवा 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 से दवा घिस दे। दवा दवा लुकिंग हॉट चिंपो। काटा ही काटा, कहा इलाज बताया रहा। हाँ पीला। हाँ लाल 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 पीला लाल लाल चलो बे। ये ठीक है? नहीं चल देखते हैं। ये ठीक है? ये भी नहीं। अब हड़वा इतना कॉर्नर में हम नहीं जाएंगे, ये नहीं हो सकता है। अरे एक, 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 अरे अरे क्या कर रहा है यार? चलो बस
jam candy pop, jam candy pop, कौन सा? बच्ची कुछ खा ले बाबा, इसको ठीक करते करते तू खुद बीमार हो जाएगा। खाना तो कहा, हम पानी तक ना ही पियेंगे। हम इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी वचन दे था कि जब तक एलेक्स का आवाज नहीं आ जाता है, कसम बजरंग बली की हम अन्न जल भूल कर इसकी सेवा करेंगे। ये हमारे गुरु ना ही हो सकत है। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। ऐसे ऐसे थे हमारे गुरु। लेकिन आज तुम्हारा झुका हुआ सर देखकर ऐसा लगता है कि सर दर्द का दवा खा ले है ना। ये हमार गुरु नहीं हो सका। अब तुम हमारे चेले नहीं हो सकत हो। अच्छा, कहाँ थे तुम दोनों जब हम इशारा करते रहे और कालिया दांत निकाल निकाल कर हम पर हंसता रहा? कहाँ थे तुम दोनों जब हम एलेक्सवा की दवाइयों के खातिर दर दर भटकते रहे? अरे छी, थू है ऐसा चेलों पर। एक लव्य ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के खातिर अपनी उंगली काट दी थी और तुम दोनों बार बार उंगली उठावत हो। छी, थू ऐसा चेलों पर। हमें किसी की जरूरत नहीं है, चले जाओ हमारी नजरों के सामने से, चले जाओ। अरे सचमुच चले गए क्या मरेला भरेला? कौन है भाई? अरे 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 आवत है, आवत है। बग्गा अंकल, दिल्ली पहुंचने से पहले एलेक्स की आवाज वापस तो आ जाएगी ना? डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन ऐसा ही चलता रहा तो अपनी बजरंगी की आवाज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बेचारा 3 दिन से बिना खाए पिए उस एलेक्स बा के लिए बेचारगिरी कर रहा है। बाल हनुमान फिल्म देखे हो का? उनमें बेचारे बाल हनुमान जी की पीठ पर इतने राक्षस लोग एक साथ हमला कर देते हैं, पर हनुमान जी अपना धैर्य और साहस छोड़े बिना जय श्री राम बोल के निरंतर आगे बढ़ते रहे। जितनी बार मुसीबत को सामने आता देखा उतनी बार उनके मुख से निकलता रहा व्हाट अ चिक। वाओ व्हाट अ चिक। का बकवास किया बे? मैंने उससे पहले का बकवास किया? नहीं नहीं, ओके बाद का बकवास किया। अरे आज हम तो के नहीं छोड़ेंगे, आज तो के नहीं छोड़ेंगे। ये क्या हो रहा है मम्मा? बीबी आई हो ना, इसे ही कहते हैं क्या? I have no idea. Can you make out किसका हाई है किसका लो है? शशरंगी, आज तोरा सारा सिस्टम फेल कर देंगे। रुक जाओ बजरंगी, बजरंगी मेरी बात सुनो। हम तो के नहीं छोड़ेंगे। अरे हम तो के नहीं। हम तोरे वास्ते भूखे रहे, पानी की एक बूंद पिए बिना तोहरी चाकरी करते रहे, सबकी नजर में विलन बन के जीते रहे और तू तू हमरे संग गद्दारी किया। ई का वानर सेना में धोखा। ई का ऊ का करत है? मुंह में टाक नहीं है का? अबे कुछ तो बक। बाल हनुमान मुसीबत को देख के का बोले रहे? जय श्री राम। हाँ, तू जय श्री राम। इका किया बायोनेशन। दुश्मन ने हमें सोते से जगाया है। आई रिपीट, दुश्मन ने हमें सोते से जगाया है। उसे हमेशा हमेशा के लिए सुला दो। अरे हम लोग भाग क्यों नहीं रहे? भाग अंकल, इनमें से कौन किसके पीछे भाग रहा है? नो, इसमें कंफ्यूजन किस बात की? कोई उन लोग के पीछे भाग रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? लेट मी थिंक। एक्चुअली हमें भी भागना चाहिए ना? दुश्मन के पास तक भी है, दुश्मन का सेकंड यूनिट ज्वाइन कर रहा है। आई
What's their position? 20 degrees east and 400 feet away. Roger. All units alert. All units alert. Attack the second unit. Artillery ready? Ready, stop! Aim. Yes, stop! Fire! चाहते हैं ना कि मैं बोलूं? अबे हम तारी बोलती बंद कर देंगे। दुश्मन को यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने देना। दुश्मनों को यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने देंगे। Dog in sight. ईसा भी इस नोटा के वजह से हो रहा है। Me? Of course. It's all because of me. मैंने कहा था उस मधुमक्खी के छत्ते को हाथ लगाओ। मैंने कहा था बका जी को कि अपना बिछाड़ा लगाओ। आई सेड कि चलो दिल्ली। अच्छा हुआ उन लोगों ने हमें नहीं देखा। वो सब तो ठीक है पक्का जी, पर एलेक्स और बजरंगी कहाँ होंगे? समझ में नहीं आता आखिर वो दोनों कूदे क्यों नहीं।
Why didn't you jump? तुम कूदे क्यों नहीं बचेंगी भाई? मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है ना, यही तो कहत रही मैडम, सच कहत रही, बिल्कुल सच कहत रही। मैं भी कितना बेवकूफ था, इस बात से नाराज था कि तुमने मुझे किसी इंसान के घर से छीना, लेकिन भूल गया कि इंसानों ने तुम सबका घर छीन लिया, और मैं फिर भी हर मोड़ पर तुम लोगों की मदद करने से भागता रहा। I'm sorry, Budge. तुम काहे सारी बोलत हो एलू, गलती तो हमार है, तुम हमार मदद करे के खातिर ही आए, और हम तो का ही टपकवाए के बारे में सोचने लगे, पर सच बोले बाबू, जो मजा तो का मारे के सोचने में नहीं आया ना, वो मजा तो का इस बार बचाने में आएगा। तो हमार तब सूखा रहा जब हम लाखन डाकू के अड्डे से चिलम चुराई के पिए रहे राजा। क्या है ना बज्जू, नॉर्मली आई ओनली ड्रिंक बिस्लरी, पर आज इतनी प्यास लगी है कि आई कॉम्प्रोमाइज। चलो चलो, हम तो हार वास्ते पानी ला। अरे नहीं बाबू, पानी हमका लावन दे। अरे कमांड डूड, तू हमार बेस्ट फ्रेंड है कि हम तो हार बेस्ट फ्रेंड है बे? तू हमार बेस्ट फ्रेंड है। तो बेस्ट फ्रेंड जो कहत है तो का सुने के पड़ी, समझ ल। पानी रे पानी, तोरा रंग कैसा, हर जिसमें मिलाई तो उस रंग जैसा। अच्छा हुआ बेगम मैडम आप आ गए, वरना ये तो हमको खा गए। मुझे टाइगर भाई, मुझे कुछ टाइगर नहीं, बिल्ली हूँ, बिल्ली म्याऊ म्याऊ। टाइगर भाई, इंसानों का बस चले तो वो सारे टाइगर एक एक करके मार दे। मैं मरना नहीं चाहता था, इसलिए उनसे बचने के लिए मैं एक बिल्ली की जिंदगी जीने लगा, और खुद को बिल्ली कहते कहते मैं टाइगर की जिंदगी जीना ही भूल गया। मैं जानता हूँ आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं डरपोक हूँ। हाँ मैं डरपोक हूँ, लेकिन मैं डरपोक हूँ इसलिए शायद अब तक किसी शिकारी के घर की दीवार पे टंगा नहीं हूं। आप डरपोक नहीं, आप तो सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे मैं कर रहा था दिल्ली न जाने के बहाने ढूंढकर। लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि यह मिशन सिर्फ एक जंगल के लिए नहीं, बल्कि हर उस जानवर के लिए है जो अपने घर में डर के जी रहा है। ठीक कहा दैलू, तू पहुंचाई दे हम लोगों का मुद्दा इन लोगों तक। हम लोग दिल्ली नहीं जाएंगे, कोई दिल्ली नहीं जाएगा। पागल हो गए थे हम, जो इंसान को इंसानियत सिखाने की सोच रहे थे, एक इंसान की शिकायत दूसरे इंसान तक लेके जा रहे थे। अरे वो सब एक जैसे हैं, क्रूएल एंड हार्टलेस, वो किसी को नहीं छोड़ेंगे, तुमको मुझको इस यूवी को मैं कुछ नहीं होने दूंगी। मैं यूवी को लेके जा रही हूँ, तुम लोग भी भाग जाओ, हम दिल्ली नहीं जाएंगे, कोई दिल्ली नहीं जाएगा। मुझे किसी को बुलाना होगा, एक वही है जो मामा को मना सकते हैं। देखो मामा, पापा, वो आपसे मिलने आए हैं।
मैं कहता था ना कि वो आएंगे। देखो वहाँ कोई नहीं है यूरी, अब बस करो। तुम्हारे पापा ना ही कभी आए थे ना ही कभी आने वाले हैं। नहीं मम्मा, पापा यहाँ है, देखो ना, आपको वो दिखाई नहीं दे रहे? नहीं, मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन मुझे साफ दिखाई दे रहा है आंटी जी, देखो सुल्तान मुझे दिखाई दे रहा है। यस यस आंटी जी, आई एम टेलिंग यू, देखो। लेकिन वहाँ नहीं, यहाँ यूवी में। डोंट यू सी, इसकी हिम्मत में, वो हिम्मत जो हम सबको यहाँ तक ले आई। मुझे सुल्तान नजर आ रहा है बजरंगी और एलेक्स की इस दोस्ती में, ऐसी दोस्ती जिसे दुश्मनी को पीछे छोड़ दिया। मुझे सुल्तान नजर आ रहा है बेगम जी, आप में, आपके प्यार में अपने बच्चे के लिए। ये हिम्मत, ये दोस्ती, ये प्यार, यही सब चीजें थी जो सुल्तान को सुल्तान बनाती थी। कौन कहता है कि सुल्तान दिखाई नहीं देता? सुल्तान आज भी हमारे साथ है। Yes, he's right here. अब तक मैं खुद नहीं जानता था कि मैं इस सफर में क्यों आया हूँ, क्या जरूरत है मेरी यहाँ पे, सिर्फ हंसी मजाक। अब मुझे पता चला है, शायद मेरी जरूरत यहाँ इसलिए थी ताकि सिर्फ ये बच्चा नहीं, हम सब सुल्तान को देख सके। बढ़ते चलो, अब दिल्ली दूर नहीं। हो तुम आगे बढ़ते चलो, अब दिल्ली दूर नहीं। कह रहे हैं हौसले डालेंगे डेरा यही। Yes, लेकिन अब क्या करें, अंदर जाना तो इम्पॉसिबल है। हमारे पास एक प्लान। अच्छा ठीक है, तुम कहो पहले आप। नो, गो अहेड, पहले आप। नहीं पहले आप। नो वे, पहले आप। नहीं, तुम कही दो पहले आप। अबे कह रहा हूँ जा पहले आप। ओह शट अप द टू ऑफ यू, पहले आप। मेरी ट्रेन निकल जाएगी लखनऊ। आंटी जी आपके पास जरूर कोई प्लान होगा। नहीं, व्हाट, यू डोंट हैव अ प्लान? ओह माय गॉड, अब क्या करेंगे? कुछ तो सोचना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम ट्रक का दरवाजा खोलेंगे, सड़क पे निकलेंगे, सारे लोगों में हंगामा मचाएंगे और सारे न्यूज वाले हमारे सामने माइक रख के पूछेंगे, हेलो मिस्टर बग्जी, आप यहाँ क्यों आए हैं? बग्गा जी, यू आर अ जीनियस। Come on, 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 come on
पहली बार ऐसा लग रहा है कि आपके पास भी बंदूक होनी चाहिए थी। You're right, Toto. मुझे भी लग रहा है कि जो बात ठाई ठाई में है वो बातचीत नहीं है। NDTV, CNN, पूरी मीडिया यहाँ है, सारी देश की जनता हमें देख रही है। एलेक्स, बात करो। जाइए जाइए, आपकी कमी थी। कहा हुआ एलेक्स? अरे तू कुछ बोलता क्यों नहीं? स्टेज फ्राइट डूड, गिव मी अ मिनट। स्टेज फ्राइट? तुम रिमेम्बर, यू आर अ कलाकार, कम ऑन। देखो इन्हें, ये है जंगल से भागे, पेड़ों की छाव से निकल के है जागे, आए यहाँ है मुश्किलों से बच कर, हथेली पे अपनी जान को रख कर, खो न जाए ये जानवर जमीन पर। ना खेता जाके हरी मिर्च खा गया है। कभी नसीरेपन में गारा भैया। जल तो पड़ी गया, पहुंची गया, दिल्ली पहुंची गया। हमरो मेरे को तो फुल कॉन्फिडेंस था। डायरेक्शन किसने दिया था? अपने मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले। मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले। बर्बाद हो रहे हैं अब ये जंगल वाले, इनकी उम्मीद ना टूटे। तू आजा, आ जा रे पार्लियामेंट वाले भैया, आ जा रे पार्लियामेंट वाले भैया। अरे गुरु जैसा बंदर कहाँ? वो टीवी के अंदर? वो बंदर नहीं है, गुरु खुद हैं। मैंने कहा था गुरु वहाँ पहुँचेंगे। तुम कब कहे बे? अब जब तुम सुने नहीं रहे। छोड़ो, ये क्या कर रहा है? अरे याद कर हगी वगी, याद कर हगी वगी, हगी वगी। फाड़ भी गया तुम्हारा हगी और फाड़ भी गया तुम्हारा वगे। तू हमारा मजाक उड़ा रहा है, लोग हमारे में हंस रहे हैं। छोड़ो, व्हाट आर यू डूइंग? ई ठीक कह रहा है इलू, इन नौटंकी करके तू हमारे मकसद का कमजोर काहे कर रहा? मैं पहले सीरियस लेक्चर देता ना तो इंडिया की सारी जनता मिस्टर इंडिया हो जाती, समझे? मजा आया एक तोते को गाते हुए सुनकर? जी भर कर हंस लिया? मेरे गाने पे तो सब हंसे, लेकिन क्या किसी ने सुना मैंने क्या गाया? किसी को एहसास हुआ कि एक तोता, एक बंदर, एक तेंदुआ उसका बच्चा और एक भालू दिल्ली के पार्लियामेंट के बाहर कैसे पहुंचे और क्यों पहुंचे? ऐसी क्या मुसीबत उन्हें यहां तक ले आई? या फिर किसी को हंसने से फुर्सत ही नहीं मिली कि हमारा दर्द पहचाने? तो आप ही हमें बताइए, आप यहां क्यों आए हैं? बताऊंगा, लेकिन तब जब इस पार्लियामेंट में से कोई ऐसा इंसान यहां आएगा जो हमारी मदद करने की ताकत भी रखता हो और नियत भी। इस पर सारा देश इन जानवरों की कहानी जानना चाहता है। And there has been a lot of commotion inside the parliament house right now. हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में हंगामा मचा हुआ है। आज होने वाले ट्रस्ट वोट को भी रोका गया है। I repeat, the trust vote has been stopped. सास और बहू को छोड़कर हर सास और हर बहू इस वक्त पार्लियामेंट के बाहर रुके इन जानवरों पे नजर टिकाए बैठे। We have been here for many hours. Been waiting outside the parliament house only to know whether someone from the parliament is actually going to hear these animals. I have got breaking news. सुनने में आया है कि खुद प्रधानमंत्री जी इन जानवरों की बात सुनने बाहर आने वाले हैं। अब तक बहस चल रही थी लेकर टाडा और पोटा, लेकिन अब सबकी जुबान पर है एक भालू, एक बंदर, दो तेंदुए और एक तोता। कहिए जो आपको कहना है। बोलो एलेक्स, बोलो, पहुंचाओ हमारी आवाज दुनिया के हर इंसान के कानों तक। हम आपको यहां ये बताने आए हैं
कि हर इंसान की जान खतरे में, करोड़ों जानवर आप सबके घरों पर परिवारों पर हमला करने वाले, आपका घर आपका परिवार आपकी जान सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक एक करके हम सबको मारेंगे। अब एक ऐसी जंग होगी कि इंसान का नामो निशान मिट जाएगा। क्यों चौंक गए, गुस्सा आया, डर गए खुद के लिए, अपने घरों के लिए, अपने अपनों के लिए? शायद अब आपको थोड़ा सा एहसास हुआ होगा कि हम पर क्या बीती है, क्योंकि हमला हम आप पर नहीं, आप हम पर कर रहे हैं। आज से नहीं, सदियों से बंदूकों से, बुलडोजर से, पॉल्यूशन से, जंगलों को काटने से, जानवरों को मारने से, घर में खेलने के लिए एक कुत्ता टॉमी, एक तोता मिट्ठू या एक बिल्ली पालते हो, लेकिन करोड़ों जानवरों को उनकी खाल, उनके दांत, उनके अलग अलग हिस्सों के लिए मारते हो। क्या हमारा घर घर नहीं? क्या हमारे बच्चे बच्चे नहीं? क्या हमारी जान जान नहीं है? क्या कसूर है इस छोटे बच्चे का कि इस किताब को मार दिया गया, कि जिस उम्र में इसे खेलना चाहिए, हंसना चाहिए, ये अपना घर बचाने हम सबको इकट्ठा करके दिल्ली ले आए ताकि हम इंसानों से अपने जंगल, अपने दोस्तों के लिए भीख मांग सके। लेकिन जब हम यहां पहुंचे, सबसे पहले हमारा स्वागत हुआ बंदूकों से, मारो मारो किनारों से। अरे जंगल से आए तो हम हैं, पर जानवर तो तुम इंसान हो, जिनका हर बात के लिए पहला रिएक्शन ही होता है एक्शन। जब हम घर से निकले थे तब दिल्ली बहुत दूर था, लेकिन हम सब इतनी दूर सिर्फ दिल्ली पहुंचने नहीं आए थे, आपके दिलों तक पहुंचने आए थे। और अगर हम वहां पहुंचने में जरा से भी कामयाब हुए हैं तो बंद कीजिए जंगलों को उखाड़ना, बंद कीजिए लड़ना झगड़ना, आज एक साथ मिलकर हल्ला बोलिए जंग के खिलाफ, नफरत के खिलाफ, सिर्फ एक जंगल के लिए नहीं बल्कि सारी दुनिया के लिए। हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। हल्ला बोल, हल्ला बोल, हेलो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट, एंड वन थिंग ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस, थैंक यू।